एक निर्माणाधीन पुल, सामने कुछ मकानों की छतें। जब पुल बनना शुरू हुआ तो कई छतें उसकी ऊंचाई के सामने छोटी दिखने लगी। कुछ बराबर की रही, छोटी रह गई छतों को लोगों ने ऊंचा कराना चाहा। इसी जद्दोजहद में और कुछ की लापरवाही के चलते एक इमारत ढह गई। चारों ओर मलबे का गुबार। तकरीबन 25 कामगार लेबर मलबे के नीचे दबे। कुछ ही देर में इलाका पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन से गूंजने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 8 घंटों तक बचाव अभियान चला। बाहर निकले 18 लोग, लेकिन बाहर निकले लोगों में से 2 की मौत हो चुकी थी। एक की हालत गंभीर बताई जा रही। 14 अप्रैल 2024 रविवार का दिन, शाम तकरीबन 5 बजे, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। यहाँ की नगर पंचायत जानसठ में तलडा मोड़ पर मुरसलीन का 2 मंजिला मकान था। वहाँ के 2 लोगों का कहना है कि पास के ही पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, इसी वजह से आसपास के मकान जमीन से 2 से 3 फीट नीचे हो गए। कुछ ऐसा ही मुरसलीन के मकान के साथ भी हुआ था। 14 अप्रैल की शाम मुरसलीन अपने मकान की नींव को जैक से उठवा रहे थे। इसके बाद मकान के नीचे मलबा भरा जाना था जिससे मकान ऊपर हो सके। इसी के दूसरी ओर पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर जमीन को समतल करने के लिए बुलडोजर चल रहा था। बुलडोजर से कंपन पैदा हुआ। मुरसलीन के मकान के कुछ जैक खिसक गए। बैलेंस बिगड़ा तो मकान भरभरा कर गिर गया। कुछ ही पलों में 2 मंजिला मकान ईंटों और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। उस वक्त तकरीबन 25 मजदूर काम कर रहे थे। 1 से 2 मजदूर जो किसी काम से बाहर गए थे, उन्हें छोड़कर बाकी सब मलबे के नीचे दब गए। चारों ओर सिर्फ मलबे का गुबार। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। आनन फानन में पुलिस, एम्बुलेंस, NDRF, SDRF और प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर पहुंचे ADG मेरठ DK ठाकुर से आज तक के सहयोगी संदीप सैनी ने बात की है। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। ये जहां हम लोग खड़े हैं मुजफ्फरनगर में जानसठ थाना क्षेत्र में, यहाँ बिल्डिंग थी और पुरानी बिल्डिंग तो पुरानी थी। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बिल्डिंग की जो ग्राउंड थी वो नीचे हो गई थी और ये सब बाद में बगल जो सड़क ऊँची हो गई थी, तो उसने बिल्डिंग को ऊँची करने के लिए कुछ ठेकेदारों की मदद से जैक लगा करके बिल्डिंग को ऊँचा करने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान कुछ गड़बड़ी भी, सही काम नहीं किया, जिसके कारण बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर गई। हम लोग सूचना जानकारी मिली, तत्काल पुलिस, SSP साहब, DM साहब, यहाँ जो लोकल जितनी इंजाम हो सकते हैं सारे लोग पहुँचे, सारे काम करना शुरू किया। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग ने NDRF SDRF संपर्क किया। NDRF PDG से बात हुई, उन्होंने तत्काल अपनी टीम भेजी और हम लोगों ने अभी तक जितना काम किया उसके अनुसार 18 लोग निकाले जा चुके हैं। 18 में 2 की डेथ हो चुकी है, कन्फर्म है। 1 सीरियसली इंजर्ड है और 15 लोग सही सलामत हैं। 15 सही हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पड़ी, शायद 1 आदमी अभी अंदर दबा हुआ है, उसका भाई मिला है। भाई कह रहा है शायद हमारा भाई यहाँ हो सकता है, उसके लिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई हो तो। पूरी NDRF टीम है, लोकल फायर सर्विस की टीम है, लोकल जो वॉलंटियर्स है वो लोग सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग आखिरी तक देख लेंगे, आखिरी तक कोई बचेगा तो उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग। घायल लोगों का पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर मुजफ्फरनगर के कलेक्टर अरविंद मल्लप्पा बंगारी भी पहुंचे। इस मामले पर उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिए। जानसठ कस्बे में आज एक बिल्डिंग के निडल गिरने से लगभग 22 से 25 लोगों की दबने की सूचना मिली थी। उसके क्रम में सारे प्रशासन इसमें लग गया था एंड लगभग 12 लोगों को निकाल दिया गया, 1 की डेथ हुई है, बाकी 11 लोग की ट्रीटमेंट चल रही है। इसके टीमें लगी हुई है सर, इसमें पूरा प्रशासन जिले का इधर ही मौजूद है। करीब हर तरह की गाड़ी उपलब्ध है, गैस कटर्स उपलब्ध है, JCB उपलब्ध है, क्रेन्स उपलब्ध है और 12 एम्बुलेंस स्टैंड बाय खड़ी है ताकि अगर कोई एमरजेंसी के लिए, तो सारी व्यवस्था की गई है। अब ऑपरेशन निकालने के लिए कार्रवाई चल रही है, NDRF को भी बोल दी गई है, वो भी मौके पे आ रहे हैं। ये रेस्क्यू इसके बारे में एग्जैक्टली बताना ऐसा संभव नहीं है, मगर चल रही है।
कृष्णपाल ने बताया कि जब हम इमारत बनाने का मसाला लेने बाहर आए तो हमने देखा कि बिल्डिंग ढहने लगी। कृष्णपाल पिछले कुछ दिनों से यही काम कर रहे थे, चुनाई कर रहे थे, हम मसाला दे रहे थे, हम मसाला दे के बाहर को आए हैं, अब बिल्डिंग जाने लगी, अपने आप गिरने लगी। और कोई दिक्कत नहीं, हम और बाजी हमने आवाज भी मारी थी, हमने लोग जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो, जब बिल्डिंग जा रही है फटाफट लिख लो, तो जो बाहर आए वो निकल गए, वो बाकी भाई में दब। कृष्णपाल बताते हैं कि मैंने लोगों को आवाज भी दी थी, जो लोग भागकर बाहर आ गए वो बच गए, बाकी सब मलबे में दब गए। एक अन्य लेबर संतोष बताते हैं कि मलबे में दबे हुए एक लेबर ने फोन भी किया था, वो कह रहा था कि मुझे जल्दी निकाल लो, मेरा दम घुट रहा है। हाँ सुनी जा रही है, अब नहीं कर रहा है वो बंदा, कम से कम उसने कराया 5:30 बजे टाइम पे 6:45 ऐसी फोन करा, उसने देखा ही थी इसमें मुझे घुटन हो रही है, मुझे जल्दी निकाल लूं, बस इतनी पते चली है। तो ऊपर से वो तोरा तारी कर रहा है, ऑल इंटर दबी रहा है नीचे, उसके बाद फोन नहीं आया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबे को हटाकर लोगों को बाहर निकालने के लिए अलग अलग टीम लगातार प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद है। अभी मिली जानकारी हमने आपसे साझा की, आगे जो भी अपडेट मिलते हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत और गौरी ने, शुक्रिया।